सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब बता दो ज़रा कमेंट में, और कैसी लगी कल की वीडियो आपको, फर्स्ट व्लॉग अपना, और ये आज सेकंड व्लॉग होगा और ऐसे ही चलेंगे। और थंबनेल में जैसे आपने देख लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होगी, तो आज मैं बताऊँगा आपको रॉटविलर पप्पी का डाइट प्लान, डाइट शेड्यूल की कौन सी फीड देता हूँ मैं इसको, सप्लीमेंट कौन से देता हूँ, तो देखना आगे कि मैं कैसे क्या देता हूँ इसको, कौन सी फीड दी थी मैंने पहले और मैंने अभी चेंज की है, तो वो भी बताऊँगा मैं अभी कौन सी दे रहा हूँ आपको, और सप्लीमेंट्स और ट्रीट्स वगैरह सिखाना कैसे इसको, तो वो सब बताऊँगा मैं आपको। तो देखिए आगे वीडियो को, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपका, और आगे देखिए, कंटिन्यू करिए वीडियो तो बताऊँगा आपको। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो और मैं दिखाऊँगा आपको कि कौन से फीड देता हूँ मैं अब। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि पहले मैंने अभी रॉयल कैनन की फ़ोटो डाली थी, तो रॉयल कैनन का स्टार्टर दिया था मैंने, 41 डेज से स्टार्ट किया था और 4 kg का पैकेट था वो, और तो ख़त्म किया था मैंने लगभग 20-25 दिन में ख़त्म हो गया था वो। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ रॉयल कैनन ही दिया था और घर का खाना नहीं रख दिया था, मना किया था उन्होंने जिससे मैंने लिया था पप्पी। तो कैसे दिया था मैं ये बताता हूँ। जैसे ये चाय का कप होता है, टी कप होता है, तो स्टार्टिंग में आप हाफ से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे 40 डेज का है, हाफ से थोड़ा ऊपर 1/4 कम मतलब इससे, तो फिर आप या फिर एक भी दे सकते हो, तो आप चेक करना पहले कि आपका पप्पी उसको ख़त्म कर रहा है उस खाने को पूरे, तो उसके बाद आप बढ़ाओ धीरे धीरे। अगर वो फिनिश कर रहा है अपने खाने को तो उसके बाद आप बढ़ा सकते हो 1-1 स्पून, तो उसके साथ आप एग दे सकते हो, जैसे 2 सुबह और 2 शाम को दे सकते हो, और यही सब देना है। और जैसे जैसे वो फिनिश करे तो 1-1 स्पून बढ़ाते रहो, टेबल स्पून जो होती है, तो वो आपको बढ़ानी है ऐसी। और मैं इसको कर देता हूँ दोपहर में 2 टाइम, जैसे सुबह 4 टाइम खाना देता हूँ मैं इसको, 4 टाइम खाना देता हूँ, जैसे 1 टाइम सुबह और शाम को, तो इसके सप्लीमेंट्स ऐड करता हूँ, ये बताऊँगा मैं भी आपको कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ मैं। तो मैं इसको 4 टाइम खाना देता हूँ, 2 टाइम दिन में दही देता हूँ इसको, और 4 एग देता था पहले जब ये 42 डेज़ का था, तो उसके बाद मैंने 6 एग्स किए थे इसके 2 महीने के बाद, 2 महीने तक मैंने इसको 4 ही एग रखे थे इसके, उसके बाद मैंने वही फिर 6 एग देना स्टार्ट किया था इसको, 3 सुबह 3 शाम को, और दिन में 2 बार कर्ड, और कर्ड के साथ फीड में मिक्स करके कर्ड, 1-1 कटोरी या फिर जितनी ये डाइजेस्ट कर सके उतनी। तो उसके बाद मैंने ये ड्रोल्स का फोकस ट्राई किया है, और ये पप्पी है, जैसे ये वाला तो स्टार्टर है, जैसे ड्रोल्स का फोकस स्टार्टर, तो पप्पी भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है इसका, क्योंकि अच्छा रिजल्ट आया इसका, और रॉयल कैनन का भी बहुत अच्छा रिजल्ट था, और ये नेचुरल बताते हैं इसलिए मैंने एक बार इसको भी ट्राई करने का सोचा, और ये प्राइस में भी कम है उससे, रॉयल कैनन से मतलब काफ़ी डिफरेंस है प्राइस का, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ये फोकस ड्रोल्स का आता है, ये फोकस स्टार्टर आता है, 4 kg का पैक लिया था मैंने, और एक ये 1.2 kg का लिया था, तो अब ये चल रहे हैं इसके, अच्छी ग्रोथ है इसकी। ये रहा आपका टाइगर, इसको भूख लगी हुई है, इसका खाने का टाइम हो चुका है अभी। टाइगर तो देखो इसका खाना, अभी मैं इसको कर्ड दूंगा, अभी ये दोपहर का खाना है, तो आज मैंने सुबह इसको एग नहीं दिए थे, तो इसलिए मैं अभी इसको 2 एग दे रहा हूँ और कर्ड दे रहा हूँ, और ये लगभग 1.5 कप फीड दे रहा हूँ इसको अभी, क्योंकि सुबह मैंने इसको ज़्यादा दे दी थी, दोपहर में इसकी थोड़ी कम डाइट रखता हूँ, क्योंकि कर्ड हो जाती है साथ में, और 1.5 ये हो जाएगा फीड इसकी और 2 एग, और उसके बाद सुबह मैं ये मिलाता हूँ लिवोइटस की, ये सिरप आती है इसकी, ये स्टोमक के लिए अच्छी होती है, मतलब जैसे ग्रोथ पीरियड है ना इसके, तो इसको लूज मोशंस वगैरह काफ़ी होने के चांसेस रहते हैं,
तो इससे मतलब ठीक रहेगा, इसका खाना अच्छा, स्टोमक अच्छा ग्रोथ करेगा। और एक ये न्यूट्रीकोट की आती है पेट केयर, न्यूट्रीकोट एडवांस, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके कोट के लिए, शाइनी कोट, जैसे आप देख रहे हैं इसका कोट, तो मतलब इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। स्टार्टिंग में ऐसा था नहीं, मतलब ये इसका कोट, ये देने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। तो मैंने 200 ग्राम की ली थी एडवांस, न्यूट्रीकोट एडवांस, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और फिर उसके बाद ये तो मैंने बता दिया आपको, ये स्टोमक के लिए है, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, या फिर मैं लिंक भी डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है ये, बट मैंने स्टोर से ली थी, ये काफ़ी इजीली मिल जाती है किसी भी पेट स्टोर से। और ये है इसकी जिप विटामिन है, ये भी इंटास की है, और काफ़ी अच्छा मतलब अच्छी है जिप विटामिन भी, मतलब ग्रोथ अच्छी है इसकी, मतलब बहुत अच्छी है अब तक तो, काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी वेट गेन कर लिया है, इतना होता नहीं है मतलब ज़्यादातर पप्पी का, अभी 80 डेज का हो गया है इस, और इसका 14 से ज़्यादा हो गया है, 14 kg से वेट। तो आप ये दे सकते हैं, नहीं तो आप विरोल भी दे सकते हैं, विरोल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब सभी जितने भी ये फार्म वाले हैं, जैसे डॉग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा विरोल ही देते हैं, और ये भी ये इजीली अवेलेबल है मतलब किसी भी पेट स्टोर से, और विरोल भी काफ़ी इजीली है, या फिर ड्रोल्स की भी आती है एक मल्टी विटामिन की, तो आप वो दे सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगा लिक्विड फॉर्म में जिप विटामिन, जैसे मल्टी विटामिन है, तो जैसे अभी पप्पी एज में आप ये लिक्विड फॉर्म में आप दे सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी रहेगी। और कैल्शियम भी पप्पी, मतलब 3 महीने तक आप लिक्विड में ही चलो, उसके बाद आप टैबलेट वगैरह में वो करो उसके बाद। और ये कैल्शियम है, ये मुझे पता नहीं था, ये भी अच्छा, मतलब रिजल्ट तो अच्छा है इसका, बोन्स वगैरह का बताते हैं कि इस काफ़ी फर्श पे, जैसे ये पत्थर है तो स्लिपरी होता है, तो काफ़ी दिक्कत आती है पपीज़ को, तो इसके कारण ये कैल्शियम बहुत ज़रूरी है पपीज़ के लिए। तो आप ये भी इंटास के, मैंने इंटास के काफ़ी इजीली मिल गए थे मेरे को, और अच्छे भी प्रोडक्ट बताते हैं इसको, तो ये है आप कैल्शियम की है, आप ले सकते हैं। टाइगर आ जा आ जा। तो देखो अब मैंने ये दिया है, अभी मैं इसको दिखाऊंगा, आगे कंटिन्यू करूंगा वीडियो, और क्या क्या देता हूँ आपको, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना कि और कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब ये काफ़ी अच्छे हैं। अभी मैं भी जैसे इसको चेंज करूँगा कोई प्रोडक्ट, जैसे विरोल की लेनी है मुझे ये मल्टी विटामिन, वो भी मैं ट्राई करूँगा कि कैसी कैसा रिजल्ट रहेगा उसका, विरोल का, मल्टी विटामिन का, और ये तो बेस्ट है न्यूट्रीकोट एडवांस, ये मैं कंटिन्यू रखूँगा यही वाली, और दूसरी चेंज नहीं करूँगा। और स्टोमक की आप लीवर 52 भी ले सकते हैं, और ये तो बेस्ट है ही, लीवर 52 डॉग्स की आती है, पपीज़ की, तो फिर वो आप ले सकते हैं। और कैल्शियम की ड्रोल्स की चेंज करूँगा मैं अभी 3 मंथ्स के बाद इसकी, और टैबलेट फॉर्म में आऊँगा मैं, वो इजीली हो जाएगी। तो अभी मैं ये दे रहा हूँ फोकस और कर्ड और ये, ठीक है। और इसकी जैसे ट्रीट्स वगैरह हो गई, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रोटवीलर पप्पी या फिर किसी भी पप्पी को, क्योंकि ये चबाते रहते हैं, मतलब पूरा टाइम चबाते हैं, इनको कुछ चाहिए चबाने के लिए, तो आप जैसे ये बोन्स दे सकते हैं, कैल्शियम बोन्स हैं ये, और अच्छी होती है, मतलब इसके दांतों के लिए भी अच्छी होती है, और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, डियर डॉगीज कंपनी की है। तो ये अराउंड आपको 200 का पैकेट मिल जाएगा मार्केट में, 200-250, जैसे आप बार्गेनिंग करोगे थोड़ा बहुत तो आपको वैसे मिल जाएगा ये। ये बड़े साइज़ की है, पहले मैंने छोटे साइज़ की ली थी पप्पी, मतलब ये ख़त्म कर देता उसको जल्दी, वो छोटे साइज़ की, ये शायद 5 इंच की है, तो फिर आप ये ले सकते हो 3 महीने बाद, वैसे पहले आप छोटी लेना, क्योंकि वो उठेगी भी नहीं इससे, वो इजीली मुंह में आ जाएगी इसके, और चबाता रहेगा वो। और ये स्टिक्स हैं, च्यूएबल स्टिक्स हैं ये भी काफ़ी अच्छी है, मतलब खा जाते हैं इनको, ये ख़त्म हो जाती है मतलब जल्दी। और ये इसकी ट्रीट्स हैं, ये बिस्किट्स आते हैं, जैसे कलरफुल बिस्किट होंगे मल्टी फ्लेवर, तो आप ये भी ले सकते हैं, और एक सिंगल फ्लेवर के आते हैं ब्राउन कलर के, आप वो भी ले सकते हैं। जैसे दिखाऊँ मैं आपको, एक मिनट दिखाता हूँ ये कैसे हैं, तो ये आप देखो ये इस टाइप के हैं, ये कलरफुल में है मल्टी फ्लेवर,
और आप ब्राउन वाले भी ले सकते हैं, सिंपल ब्राउन वाले आते हैं तो बहुत अच्छे सिखाते हैं इनको। ये जब कुछ सिखाने का टाइम हो ना कि अभी सिखाना है इसको कुछ, जैसे हेलो वगैरह, नो कमांड सिखानी हो कोई, तो मतलब ये ध्यान देगा आपके ऊपर अगर आप बिस्किट दिखाएंगे इसको। और अच्छे से खाता है ये सारी चीजें टाइगर। तो आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, तो अभी ये खाने की आप देख सकते हो, इसके बाद मैं खिलाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा वीडियो, और उसके बाद इसकी खेलने की वीडियो भी डालूंगा मैं इसकी थोड़ी, तो आप देखना उस वीडियो को, ठीक है? थैंक यू गाइस, अभी आप कंटिन्यू करना, मैं दिखाऊंगा इसको कैसे खाएगा ये अभी दही को और इसको एग्स वगैरह को मिक्स करके, ठीक है? सो आप ये देखिए इसके फीड, आप इसको बॉईल करके भी दे सकते हैं, जैसे सर्दियों का टाइम है ना तो इसको गर्म पानी में, और इससे डबल, जैसे फीड 1 कप ली है तो 2 कप पानी, गर्म पानी, तो उसमें रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए, तो फिर वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो वो अच्छे से खा लेगा इसको पप्पी, है ना, क्योंकि चबाई नहीं जाएंगी वो वैसे। और गर्मियों में आप ठंडे पानी में जैसे भिगोते हैं तो आधा घंटा पहले करना। नो नो सिट, गुड बॉय। तो आप ऐसे कर सकते हैं ठंडे पानी में। नो टाइगर नो नो। तो मैं इसको ये दूंगा, गर्म पानी में देता हूँ अभी सर्दियों का टाइम है, तो इसको थोड़ा मिक्स कर देना, जो भी दे रहे हो आप उसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करके उसको अच्छे से खा लेगा, फ्लेवर पहुंच जाएगा इसका अंडे का। अब इसको भूख लगी है और नो का कमांड दिया है ना मैंने, इसको कमांड दिए नो की, तो फिर बैठा भी नहीं, तो स्टार्टिंग में तो रुकता ही नहीं था, अभी ये सिखाने के बाद थोड़ा बहुत बैठने लग गया, धीरे धीरे इसको ट्रेनिंग दूंगा मैं पूरी। अब मैं इसको तो कमांड नहीं दूंगा, ये खाएगा नहीं। टाइगर खा ले। वो कर्ड मैंने इसलिए बचा ली क्योंकि ज्यादा लग रहा था, इसकी फीड ज्यादा हो जाती फिर। इसको दोपहर में एक और बार दे दूंगा वो कर्ड जो बची है, और थोड़ा ऊपर देना चाहिए इसको हमेशा, जैसे बच्चा है ना, मतलब बड़ा होने के बाद भी, और स्टार्टिंग से इसको ऊपर खाने की आदत हो थोड़ी, जैसे इसकी हाइट है ना, क्योंकि यहाँ पे जो इसका ये होता है ना बैक की बोन, तो फिर ये डैमेज हो जाती है, इसकी नीचे हो जाती है मतलब, तो फिर ख़राब हो जाएगी, वो क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी, जैसे शेप में होता है ना आप बोलते हो जैसे शो क्वालिटी, तो उसके लिए इसको मतलब स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसको पूरा ख़त्म कर देगा अब ये, ठीक है गाइस, इसको खाने देते हैं अब। और इसको थोड़ा थोड़ा जैसे खाए खाए ना ये, तो इसके हाथ पे मतलब सिर पे हाथ फेर दिया करो थोड़ा थोड़ा, और बीच में खाने के टाइम पे रोक दिया करो इसको, तो ये स्टार्टिंग से इसकी आदत रहेगी कि कोई भी इसके जैसे खाने के बीच में हाथ लगाएगा ना तो ये बार्क नहीं करेगा और थोड़ा एग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि फूड एग्रेशन भी आ जाता है पपीज़ में, तो इसके लिए ठीक है फिर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देना, आगे आने वाली इसकी वैक्सीन की वीडियो, मतलब हर टाइप की वीडियो मैं डालूंगा, तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, किसी के पास डॉग हो, रोटवीलर ही नहीं किसी भी टाइप का डॉग हो तो उसके लिए आप भेज सकते हो उसको, शेयर कर सकते हो वीडियो को, और ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।